आप लोगों ने जवान फिल्म देखी है? मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। उसमें शाहरुख खान एक चीज कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना, जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, मेरा परिवार अगर बीमार होगा तो उसके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम करोगे। आज 75 साल के बाद भी देश में एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो ठोक बजा के कहती है कि हमें वोट दो क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। वही दोस्तों, फिल्म जवान ने दुनिया भर से ताबड़तोड़ कमाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ की कमाई कर डाली है। वही भारत से जवान ने 350 करोड़ कमाए हैं और दुनिया भर से 700 करोड़। दोस्तों, जल्दी ही फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। वही दोस्तों, जवान फिल्म का क्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शाहरुख ने पठान के बाद अब जवान से जो तबाही मचाई है वो देखकर सबके होश उड़ गए हैं। तो वही देश के युवा जवान को देश की फिल्म बता रहे हैं। जवान में भरपूर एक्शन, ड्रामा और इमोशन सीन दिखाए गए हैं। वही फिल्म की कहानी को लोग देश में हुई घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। 1000 से 1500 करोड़ तक का कलेक्शन आसानी से कर लेगी। फिल्म दमदार एक्शन और शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। वही दोस्तों, फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर एटली और शाहरुख खान ने काफी कुछ सिस्टम के बारे में दिखा दिया। फिल्म में दमदार एक्शन है और इमोशन सीन भी बहुत हैं। वही हमें सबसे ज्यादा विक्रम राठौर का एक्शन पसंद द आया। फिल्म अब पठान के GF 2 और बाहुबली को भी पीछे कर चुकी है। दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान ने तबाही मचा डाली है। जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, ये फिल्म 2000 करोड़ का कलेक्शन पार कर सकती है। दोस्तों, पठान ने लगभग 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें 500 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में कमाए थे। लेकिन अब जवान को लेकर शाहरुख खान के फैंस 2000 करोड़ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना जवान कितना कलेक्शन करेगी।